हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एलिन एकेडमी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जल्द ही आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आपका सीबीटी वन का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे। सीबीटी वन में आपके जो जो सिलेबस आ रहे हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गई, इन सब को लेकर हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने स्टार्ट किया है जनरल अवेयरनेस का। ये पहली क्लास है, इसको पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें इसको शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने ये टारगेट रखा है कि आपका आरआरबी जूनियर का जो एग्ज़ाम है उसे हमें क्लियर कराना है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और जो भी क्वेश्चन लगेंगे हमें आने वाले जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहता हूँ उन एस्पिरेंट्स का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें इतना मोटिवेशन दिया कि हम आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर सकें। तो ऐसे ही हमें मोटिवेशन देते रहिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप भी हमारी हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि ये जो कोर्सेज़ हैं ये अच्छे से चलें और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे ही जितने भी ये पोस्ट हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय रेल लाइन्स फ्रॉम ऑल फोर साइड्स इज कॉल्ड, जो चारों साइड से रेल लाइन से कवर अप हो, सराउंडेड हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आईलैंड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड, यानी RDSO जो है ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये लखनऊ में है, यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह भी होती हैं, समर ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती हैं, तो ये लखनऊ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 1988 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट पुलिस बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू डिजिटाइज ऑल मलकांस, तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट साइंस मीट इंडिया साइंस कांग्रेस, यानी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट साइंस मीट है इंडियन साइंस कांग्रेस ISC 2019 विल बी हेल्ड इन विच सिटी, ये कौन सी सिटी में हेल्ड हो रही है? तो ये हेल्ड हो रही है जालंधर में, ISC यानी इंडियन साइंस कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन क्राउंडेड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018, तो इनका जो नाम है वो है श्री सैनी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री बिल्ड 5 आर्टिफिशियल आइलैंड टू ब्रिंग वाइल्ड लाइफ बैक, वाइल्ड लाइफ के लिए 5 आर्टिफिशियल आइलैंड किस कंट्री ने बनाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नीदरलैंड्स। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन देने से क्या होता है, वीडियो लंबा हो जाता है और ऑप्शन देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर का पता होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप देखते रहिए, या तो देखने का अलग से तरीका है कि आप ईयरफोन लगा लीजिए, वीडियो को खाली ओरली सुनते रहिए, ऑडियो सुनते रहिए, तभी आपका ये वीडियो जो है, ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सुनने से भी काफ़ी चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो अगर आप एक दो बार वीडियो को सुनेंगे भी तो भी आपको जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स हैं ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच सिटी, सॉरी विच डेट होगा, तो इसका जो सही है वो 15 दिसंबर, नेशनल टी डे 15 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेम द ऐप लॉन्च बाय द इंडियन रेलवेज टू रजिस्टर पैसेंजर ग्रीवियंसेस फॉर क्विक रेसिडियल, मीन टू से जो इंडियन रेलवेज है उसने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है जिसमें कि जो पैसेंजर्स हैं उनकी शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और जल्द से जल्द उनका निवारण किया जाएगा। तो उस रेल जो ऐप का नाम है वो है रेल मदद। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर इंडिया किया सुपर लीग वुमेंस टूर्नामेंट, तो भाई ये पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं और इनका नाम है स्मृति मंधाना इनका नाम है, जो कि पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं और सिलेक्ट हुई हैं इंग्लैंड किया सुपर लीग वुमेंस टूर्नामेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री विन डेविस कप 2018, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार शायद एक दो एग्जाम में पूछा भी गया है, तो क्रोटिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, G20 समिट हेल्ड इन विच कंट्री, तो G20 समिट हेल्ड हुआ था वो हुआ था अर्जेंटीना में, तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना।
देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग ऑफ द रेल लाइंस. अगर वर्ल्ड में देखा जाए इंडियन रेलवेज की क्या पोजीशन है रेल लाइंस में, तो चौथी पोजीशन है. ये आरआरबी मुंबई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ये पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जा भी सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे सिचुएटेड एट. तो ये कहाँ पे है, ये गोरखपुर में है. फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज अंडर द जोनल सिस्टम. तो इंडिया की जो पोजीशन है वो सेकंड है. और लास्ट क्वेश्चन है जनरल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेलवे बोर्ड. इसका आंसर रेलवे बोर्ड है. तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट.